दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के आर्य ऑडिटोरियम में दशमेश पब्लिक स्कूल का एनुअल डे मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी के माता पिता कार्यक्रम में अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे। छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, प्ले किया, देशभक्ति पर संदेश भी दिया। मेरे देश का मान है, जीवन दिया उनके बुढ़ापे का सहारा, ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले। मैं हरजीत सिंह गोविंदपुरी, महासचिव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गली नंबर 7 गोविंदपुरी। मेरे साथ हैं सरदार सुरजीत सिंह जी, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गली नंबर 7, और राइट साइड में सरदार अजय पाल सिंह जी जो कि कैशियर हैं गुरुद्वारा साहब के, सरदार कुलदीप सिंह जी असिस्टेंट कैशियर हैं, और सरदार अजीत पाल सिंह जी हमारे मेम्बर हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सन 2002 में दशमेश पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई थी। आज 20 वर्ष हो गए इस स्कूल को चलते हुए और 409 बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। आज हमने अपने दशमेश पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह मनाया है, जिसमें आज हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ पे मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत करनी थी, लेकिन कुछ ज़रूरी घटना होने के बाद वो यहाँ रास्ते में से वापस हुए हैं। और आज हमारे इसमें जो मेन मेहमान रहे हैं सरदार नाम सिंह जी सत्तार हैं, जो चेयरमैन हैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कालका जी के, और सरदार मनजीत सिंह जी जो MD हैं विश्वकर्मा कमेटी विश्वकर्मा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हमारे स्कूल के बच्चों ने किया है। देखिए जी, बड़े बच्चों के साथ मेहनत करना और छोटे बच्चों के साथ मेहनत करना बहुत मुश्किल है। बड़े बच्चों के साथ आसानी से टीचर्स जो है मेहनत कर लेता है, बट जब छोटे बच्चों के साथ टीचर मेहनत करता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास, हमारा स्कूल जो है 5वीं तक का है, प्राइमरी का है, और आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम 10 वर्ष की उम्र के बच्चे हमारे साथ हैं, 5 साल से लेकर 10 साल तक। और इन बच्चों के साथ जो टीचर्स ने मेहनत की है, और हमने हर वर्ग को इस वार्षिक समारोह में छुआ है, वो चाहे फौजी संकल्प हो जो फौजी देश के लिए क्या करते हैं, चाहे पर्यावरण की रक्षा के लिए बात हो वो भी इसमें किया है, चाहे लोक नाच हो, हमने जहाँ पंजाब का लोक नाच किया है वहाँ पे हमने राजस्थान का लोक नाच किया है। और जो आज जो परिवार के रिश्ते टूट रहे हैं मोबाइल के बढ़ते हुए रुझान से, जो रिश्ते टूट रहे हैं उसके ऊपर भी एक जो हमने यहाँ पे बच्चों ने हमारा नुक्कड़ नाटक पेश किया है, और पंजाब का लोक नाच तो क्या कहने हैं, गिद्दा और भांगड़ा, वो हमारे बच्चों ने यहाँ पर किया है। और ये मैं इसके लिए अपने सारी मैनेजमेंट का और स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है उन बच्चों के पेरेंट्स का, माता पिता का भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने जो स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती थी वो घर में उसको प्रैक्टिस करके इस शाम में जो प्रोग्राम किया गया उसमें एक बहुत ही खूबसूरत निखार दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये साउथ दिल्ली का एक पहला स्कूल होगा जो बहुत ही कम 1000 रुपये से कम फीस में, 970 रुपये के करीब फीस है और 870 रुपये की फीस है, और हमारा स्कूल सारा एयर कंडीशन है। बच्चे जो है सारे, जितने कमरे हमारे हैं सारे कमरे एयर कंडीशन है, और इतने कम फीस में एयर कंडीशन में बैठाने वाला ये पहला स्कूल होगा। और हमारे कमरे जो है लग्जरी कमरे हैं,
बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बड़े साइज के हैं, हवादार हैं और एक बहुत ही खूबसूरत कंप्यूटर लैब की स्थापना हमने अभी एक महीने पहले की है, जिसमें बच्चे 7 कंप्यूटर हैं, जिसमें बच्चे जो हैं उसमें विद्या जो है कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बहुत ही हमने एक जो हर फ्लोर पे बहुत ही लग्जरी वॉशरूम बनाए हैं बच्चियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, हैंडीकैप्ड के लिए अलग, आरओ सिस्टम है। तो इस तरीके से ये स्कूल जो है ये रन कर रहा है और बड़ी कामयाबी की तरफ चलता है और हमारे पास एडमिशन बहुत ज़्यादा एडमिशन आ रहे हैं, सीट कम पड़ जाती है। ये दशमेश पब्लिक स्कूल का आज वार्षिक महोत्सव जो हुआ है, मैं आभारी हूँ अपने प्रबंधक महोदयों का, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, जिनका हमें इतना सपोर्ट है, जो ये सिलसिला है बिल्कुल क्रीमली जो चलता है, स्मूथली जो काम चलता है, एक प्रमुख हमें निर्देशन, सही निर्देशन की वजह से मिलता है, बस यही मेरा मानना है। इट टुक अस 1.5 मंथ, 1.5 महीने में ये बच्चे हैं, जिसके अंदर 15 दिन की विंटर वेकेशंस भी है, लेकिन सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है और परमात्मा का ओटासरा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक, और अभिभावक गणों का सहयोग, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सुबह है, शाम है, जब भी उनको बुलाया गया तो पेरेंट्स ने हमारी बड़ी मदद करी है।